सो गई ये सारी मंजिले, ये सारी मंजिले, सो गया है रास्ता। क्या बोलते रहे फंटर लोग, गेमर्स चॉइस से मैं हूं चिकी और आप सबका स्वागत है यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 सीरीज के पहले एपिसोड में। तो गाइज हमारी फैन फेवरेट सीरीज फाइनली हम लोग अभी चालू कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने हमारी ETS 2 की लास्ट स्ट्रीम देखी थी तो जहाँ पे हमने उस गेम को एंड किया था वहीं से हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जब हम लोग लेवल 15 तक पहुँचेंगे तब हम हमारा नया ट्रक परचेस करेंगे, जो भी वोल्वो का या फिर स्कैनिया का या फिर मर्सिडीज़ का, और उसके लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग हैं लेवल 12 पे और हमने अभी तक पैसे कमाए हुए हैं 2,04,506 यूरोस, ठीक है। और जो लेवल 15 का सबसे पावर फुल जो ट्रक होगा वो बहुत ज्यादा महंगा होगा, तो उसके लिए हम लोग अभी ड्राइवर फॉर हायर एज अ ड्राइवर जॉब करें बाकी कार्गो कंपनीज के लिए। तो यही से हम लोग अभी सीरीज को हमारे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक जॉब लेने वाले हैं जिससे हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, अराउंड 20,000 to 25,000 यूरोस का वो जॉब होगा, और वो जॉब हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत जल्दी हम लोग लेवल 15 तक जाए और हम हमारा फाइनली मोस्ट अवेटेड ट्रक परचेस करें। चलो देखते हैं कि जॉब मार्केट में बेसिकली कौन कौन से जॉब अभी अवेलेबल है। सो दीज आर द जॉब्स विच आर अवेलेबल राइट नाउ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब हो। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये DPD कार्गो कंपनी का ये जॉब है, स्कैनिया का ट्रक है 420 हॉर्स पावर का। इसमें 2000 यूरोस कम है बट ये थोड़ी सी चैलेंजिंग डिलीवरी है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ADR क्लास 1 मतलब फ्लेमेबल सब्सटेंस की हमें डिलीवरी करनी है, देन इट्स अ स्टैंडर्ड डिलीवरी प्लस फ्रजाइल कार्गो भी है एंड देन इट्स अ आर्टिकुलेटेड ट्रेलर। तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। तो क्या बोलते भाई लोग, ये डिलीवरी स्टार्ट होगी कील से लेके जर्मनी के फ्रैंकफुर्ट तक। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड जॉब टू स्टार्ट अ सीरीज। सो चलो भाई लोग लेट्स टेक दिस जॉब और हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइज, आपको हमारा जो डैश कैम है, हमारा जो स्टीयरिंग व्हील का कैम है, आपको वहाँ पे एक नई चीज़ दिख रही होगी। ये जो मेरा ASUS ROG 2 है यहाँ पे आपको RPM का मीटर और स्पीडोमीटर दिख रहा होगा। तो बेसिकली मैंने मेरे ETS 2 को मेरे मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है। मोबाइल पे एक एप्लीकेशन आता है सिम डैशबोर्ड करके, जिससे तुम्हारा जो ट्रक का जो आपका स्पीडोमीटर या फिर ट्रक का जो डैशबोर्ड होता है वो डैशबोर्ड आप आपके मोबाइल पे सिमुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे देखने के लिए आसानी होती है कि मेरा स्पीड लिमिट कितना है, मेरा RPM कितना है। ये तो अभी बेसिक है, मैं इसको और अपग्रेड करूँगा और इसका पेड बजट परचेस करने के बाद यहाँ पे मुझे सारे ट्रक के कंट्रोल्स आएंगे। तो यहाँ से बेसिकली मैं ट्रक के इंजन को स्टार्ट कर पाऊँगा, इंजन को स्टॉप कर पाऊँगा और बहुत सारे फीचर्स मुझे यहाँ पे हैंडी हो जाएंगे। तो एकदम प्रॉपर स्क्यूरेल जैसा हम लोग सेटअप यहाँ पे लेके आए हुए हैं, तो मज़ा आएगा गाइज जर्नी को एंजॉय करने के लिए। तो चलो गाइज हम लोग ट्रक में बैठ चुके हैं। दिस इज़ अ स्कैनिया ट्रक, पहले ट्रक को देख लेते हैं। सो इट्स अ क्वाइट गुड ट्रक, स्कैनिया के ट्रक वन ऑफ द बेस्ट ट्रक्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रक मैन्युफैक्चर है स्कैनिया। दूसरे व्यू से देखते हैं। ओ भाई साहब ट्रेलर देख रहे हो कितना बड़ा है, इट्स अ DPD कार्गो ट्रेलर और अच्छा खासा लंबा ट्रेलर है और इट्स अ आर्टिकुलेटेड ट्रेलर। हमें ये डिलीवरी बिना कोई पंगे किए, बिना कोई एक्सीडेंट किए हमें इसको कंप्लीट करना है। मौसम इतना कुछ अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है बाहर, तो थोड़ा सा संभल के हमें चलाना पड़ेगा, ड्राइविंग कंडीशंस इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो चलो भाई लोग मैं ट्रक को स्टार्ट करता हूँ। 1, 2, 3 गो। ट्रक को हमने स्टार्ट कर दिया है, लेट मी शो यू ट्रक की फायरिंग। बारिश की आवाज़ है तो ट्रक की फायरिंग इतनी ठीक से सुनाई नहीं देगी। लेट मी स्टार्ट द लाइट्स, यहाँ पे मैंने लाइट स्टार्ट कर दिया है। ये हाई बीम है बट अभी हाई बीम में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हाई बीम में चला लेंगे। इंडिकेटर ये चल रहा है, लेफ्ट साइड का भी इंडिकेटर सही से चल रहा है। ओ या। तो चलो ट्रक को निकालते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हमारा डैशबोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन गाइस। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो RPM मीटर चल रहा है, हमारा स्पीडोमीटर भी चल रहा है। तो जी बॉयज ऑल गुड, चलो कोई नहीं है, राइट एंड लेफ्ट इज क्लियर। आगे लेट मी स्विच ऑन द वाइपर्स।
अभी हम लोग कहीं जर्मनी में चला रहे हैं, ये जर्मनी का जॉब है, हमें फ्रैंकफर्ट तक जाना है इस कार्गो को लेके। ये देखो ये दोनों ट्रक लिफ्ट में घुस रहे हैं। ओ भाई ओके क्या हो गया अब इस, अरे क्या हो गया चचा, चलो भाई चलो, क्या कर रहे हो ओ चचा, अरे चलो, अरे यार इनकी भैंस की कुछ करूँ क्या, इंडियन ड्राइवर्स का स्किल दिखाओ क्या इन लोगों को मैं, रुको भैंस की पूछ, देखो अभी मैं निकला तो ये निकल गए। ओके यार एक्चुअली वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हम लोग हमारे इंडियन ड्राइवर्स के स्किल दिखा रहे हैं। अपने में पेशेंस कहाँ होता है यार, हम इंडिया में ड्राइव करते हैं कहाँ पेशेंस होता है हमें, बिल्कुल नहीं। अपने को तो बस निकलना है यहाँ से। बेसिकली हमने हमारी पहली गलती कर दी है एक गाड़ी को ठोक के। भाई भाई पावर स्टेयरिंग यार, थोड़ा भी राइट लेफ्ट करोगे तो ट्रक लेन से बाहर चला जाएगा। भाई डिफिकल्ट है यार, थर्ड पर्सन में चलाना बहुत डिफिकल्ट है, लेन तुम मेंटेन ही नहीं रख सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई ये सारी मंजिले, ये सारी मंजिले, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। गाइस सॉरी, मतलब मैं बहुत घटिया गाता हूँ, अनसब्सक्राइब मत कर देना, डिसलाइक मत दबाना, बट वो लोग ऐसे ही गाने लगा देते यार भाई, मज़ा आता था। मैं तो पूरी रात रात भर जाग के मैं देखता था कि वो बंदा कैसे ट्रक चलाता है, और मुझे बड़ा मज़ा आता था यार ड्राइवर के बाजू में बैठ के आगे की चीज़ें देखना, कैसे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, कैसे वो मतलब चला रहा है ट्रक। यार अलग अलग ही नशे तेरे उस टाइम पे, बचपन के मज़े यार क्या ही बताया, अभी वो सारे मज़े कहाँ यार, अभी कौन ट्रक में बैठेगा, और क्या अभी वो समय भी अच्छा नहीं है। उस टाइम पे तो यार ट्रक ड्राइवर भी बड़े अच्छे लोग होते थे, अब तो कुछ नहीं कह सकते, अभी बड़ा रिस्की मामला हो गया है। ओके मुझे लग रहा है कि वेदर अभी क्लियर हो रहा है, अगर आप देखोगे तो काले बादल जा रहे हैं और थोड़ी सी सूरज की रोशनी अभी हमें दिख रही है। होपफुली यार वेदर क्लियर हो जाएगा ताकि हम लोग यूरोप की जो ब्यूटी है उसका मज़ा ले पाएँ। अरे भाई क्या खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो झील, देख रहे हो गाइस झील देख रहे हो, अरे झील देखने के चक्कर में ठोकना दूँ मैं, अबे झील देखने के चक्कर में ठोकना दूँ मैं, भाई 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 ओ भाई 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 ओ ओ भाई माइकल शुमाकर भाई, ट्रकर्स का माइकल शुमाकर, ट्रकिंग का माइकल शुमाकर, बाल बाल बचे बाल बाल बचे, ये तो अच्छा खासा डैमेज हो जाता। देखो गाइज आप लोगों को झील दिखाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। वाह देखते हो गाइज लेफ्ट साइड पे मस्त पेरिस सिटी लग रही है, वहाँ पे चर्च दिख रहा है, ब्यूटीफुल गाइज देखो, वाह नाइस। तो फिर से लग जाएंगी मेरी आपको दिखाने के चक्कर में। अरे बच गया हमें, बाल बाल बचा, मेरा 83 का स्पीड था, 80 का स्पीड लिमिट है, और अभी साइड से पुलिस की कार गई, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से बच गया, जो मेरा स्पीड कम हो गया, अदरवाइज लग जाती मेरी। वहाँ पे चढ़ान आ गए तो ऑटोमेटिकली मेरे ट्रक का स्पीड कम हो गया, तो भाई बचा लिया, नहीं तो फिर से 1000 यूरो चले जाते हमारे। 1000 यूरो का चलान काटते है बे, थोड़ा तो सोचो यार, इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हम लोग और तुम ऐसे पैसे काटोगे हमारे। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, ये ना 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 ना, ये गलत है, ये गलत है। सरकार यहाँ पे लुटने के लिए बैठी है गरीब ट्रक ड्राइवर्स को। अरे कोका कोला की गाड़ी जा रही है, देख रहे हो क्या, कोका कोला तू शोला शोला तू। अगेन गाइज प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना, डिसलाइक बटन मत दबाना,
वो कोका कोला का वैन देख के यार वो एकदम से दिल किया गाना 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 गाने का. ओ कुछ तो कांड हो गया लग रहा है आगे. नहीं 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 नहीं, नहीं. रस्ते का काम चल रहा है भाई 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 भाई, 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 भाई आराम से आराम से आराम से. ऐसे बीच में वैन खड़ी कर दी है और लाइट लगा दी ऊपर, बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम चले. देखो इसकी तो लग गई. राइट राइट साइड से काहे चलाते हो भैया. अरे क्या हो गया, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आई हुई है, फायर ब्रिगेड का ट्रक है यहाँ पे. हो गया, जल गया, कुछ तो कांड हुआ है. ओ भाई क्या हो गया. अरे भाई 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 तो भाई पूरा जल गया यार. शिट. अरे भाई ये वो बातें क्या कर रहे हो भाई, कुछ काम भी कर लो. अरे देखो ये तो गप्पे लड़ा रहे यहाँ पे. भाई काम कर लो चचा, बातें बाद में कर लेना, ट्रैफिक बढ़ रही है रास्ते पे. रास्ता देख रहे हो गाइस कितना खूबसूरत है, जंगल के बीच में से जा रहे हैं हम लोग. दोनों तरफ मस्त झाड़ियाँ और बीच में से हम लोग हमारा स्कैनिया का पावरफुल ट्रक भगा रहे हैं. मैं भगा रहा हूँ अभी, चलान काटा तो काटा यार. 92 किलोमीटर पर आर, 93 किलोमीटर पर आर. क्या हम लोग 100 को टच करेंगे? 96, 97, 98, 99, 100 किलोमीटर पर आर, 101. यो जी जी बॉयज, जल्दी 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 आगे आगे, पुलिस 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 आगे, पुलिस आगे, पुलिस आगे. बच गया यार, बच गया, बच गया. लेफ्ट साइड पे पुलिस थी देखो. ओ फक, बच गया. और आप बोलोगे कि यार वो लेफ्ट साइड पे थी तो आप तुम्हारा चलान क्यों काटेगा? तो बेसिकली उनके पास वो स्पीड कैम्स होते हैं तो उससे वो ऑटोमेटिकली चलान काटता है. अपने इंडिया जैसा थोड़ी है कि हवलदार को ट्रक के पास आना पड़ेगा. अरे चलो उतरो, नीचे उतरो, लावा गाड़ी साइड लावा, उतरा उतरा, लाइसेंस दाखवा, लाइसेंस दाखवा, पीयूसी दाखवा. ऐसा नहीं है गाइस, वो तो भाई सब ऑटोमेटेड सिस्टम है. आपने गलती की, रूल ब्रेक किया, ऑटोमेटिकली मंथ एंड पे आपके घर पे रिपोर्ट आ जाएगा कि आपने इस मंथ में कितनी बार रूल ब्रेक किया, कितनी बार सिग्नल ब्रेक किया, कितनी बार आपने स्पीड लिमिट को क्रॉस किया. अकॉर्डिंगली आपके फाइंस आएंगे, आपको उसको भरना होगा. इजी पीजी, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कन्विंस नहीं. ओ मामा जाओ दिया ना मामा, और थोड़ा सा चुकून सिग्नल तोड़ लाओ, गलती से सिग्नल टूट गया, देखा नहीं मैंने मामा, ऐसा मत करो. नहीं 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 नहीं, 500 रुपये लगना है, 500. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे लाइफ इजी है. बट यार यहाँ पे बार्गेन नहीं होता यार, यहाँ पे 1000 यूरो काटना पड़ता है. यही इंडिया में होता तो अपन पूरा बार्गेन करके उसको 1000 का 200 पे 100% लेके आते. ओ माय गॉड, दैट्स द रीज़न इंडिया इज़ बेस्ट यार. इंडिया इज़ लाइक यो कंट्री. अबे क्या हो गया अभी, यहाँ पे भी आग लगी क्या? ओ भाई मुझे नींद आ रही है यार, मुझे नींद आ रही है. नहीं यहाँ पे आग नहीं लगी है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है. ओ भाई साहब, गंदा चिपका है रे उसको, वो दूसरे कार वाले ने बहुत गंदा चिपका है. गाइस मेरी फटिक लेवर बहुत तेज़ी से घट रही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग बस 28 किलोमीटर दूर है हमारे डेस्टिनेशन से, तो कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़ आपको पता है कि अगर फटिक लेवल, अरे ए ए भाई 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 राइट लेना है. थैंक यू, थैंक गॉड पीछे वाले ने ब्रेक दबा दिया, नहीं तो मैं राइट टर्न मिस कर देता तो बहुत आगे जाके फिर हमें यू टर्न मारना पड़ता, और हमें ये डिलीवरी पर्टिकुलर टाइम में ही कंप्लीट करनी है. ज़्यादा लेट नहीं हो सकते हम लोग इस डिलीवरी में. नाइस एंड ईजी. भाई भाई, ओ भाई 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 भाई, हमें राइट पे जाना है तो एक बार इसको पूरा ओवरटेक करके राइट साइड के लेन में आ जाते हैं. फ्रैंकफर्ट में आपका स्वागत है, हमने फ्रैंकफर्ट को डिस्कवर कर लिया है. क्या बात है, ऐसा बोर्ड नहीं आता क्या? फ्रैंकफर्ट में आपका स्वागत है, वेलकम टू द फ्रैंकफर्ट. ऐसे वैसे यार हमारे इंडिया में तो बड़ा वेलकम करते हैं, कोई भी नई सिटी में एंटर करो तो आपले सहर्ष स्वागत है ऐसे बोलते हैं मराठी में, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो. ओ भाई रुको, कोई नहीं आ रहा है. ऑल क्लियर. हम डीलरशिप में घुस गए. लेंगे गाइस हम लोग भी ट्रक लेंगे, टेंशन नहीं है. ओके वी विल गो विद द नॉर्मल पार्किंग, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे पार्क करना है. कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी पीजी है. इतना तो हम प्रोफेशनल है कि ये पार्किंग इजीली कर पाए. अब हमें प्रॉपर पार्क कर सकते हैं.
अब सीधा पार्क होगा तभी जाके हमारी डिलीवरी एंड होगी सक्सेसफुली. नाइस. जीजी बॉयज देखते कि ये जॉब एक्सेलेंट जॉब, फाइनली हमने टाइम में डिलीवरी कर दी है. देखते कि कितने पैसे मिले हमें. 22,095 euros हमें मिले और हमने ऑलमोस्ट लेवल 13 के हम लोग करीब आ चुके हैं और एक या दो जॉब के बाद हम लोग आई थिंक लेवल 13 भी क्रॉस कर लेंगे. तो जीजी बॉयज अब देखते हैं कि हमारे कितने पैसे हो चुके. टोटल मनी हमने अर्न कर लिया है 2,24,741 euros. सो इट्स अ क्वाइट गुड अमाउंट. तो देखते हैं अभी नेक्स्ट जॉब हम लोग कितना बड़ा और कितना रिस्की जॉब लेते हैं. तो गाइज कैसे लगा आपका आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको मज़ा आया होगा. जिस दिन हम लोग हमारा खुद का ट्रक परचेस करेंगे तब इस सीरीज़ में और ज़्यादा मज़ा आएगा. आपके सजेशन जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, आपको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, सो दैट अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रोवाइज करेंगे और अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे. तो मैं कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते रहूँगा इस सीरीज़ में. बस आप सबका सपोर्ट चाहिए. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और अगर अपने सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया तो बिना भूले सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो घंटा भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज. आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप गेमिंग एंड कीप स्पेलिंग गाइज. खेलते रहिए और हंसते रहिए बिकॉज यू गाइज आर सीरियसली ऑसम. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. लव यू गाइज.